अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। केसीएस जॉब में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं एनएलसी में जो जॉब्स आई हुई हैं नेशनल लॉजिस्टिक सेल में, उस हवाले से। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल को पेशा वराना महारत के हामिल और तरबियत याफ्ता अफराद को मदरजा सेल तैनाती के लिए कंट्रैक्ट की बुनियाद पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। तो तकरीबन 42 जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें हैं। तो देखते हैं हम इसको थोड़ा मज़ीद अगर जूम कर लें तो असिस्टेंट मैनेजर एडमिन कोऑर्डिनेशन क्वेटा, तो ये क्वेटा के लिए उनको दरकार है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 2 पे है वो है असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट रावलपिंडी। ये रावलपिंडी के लिए असिस्टेंट मैनेजर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर कंस्ट्रक्शन रोड, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। नंबर 5 पे है असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल टेस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान। नंबर 6 पे हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल कराची के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल राइटिंग QA रावलपिंडी के लिए है। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रावलपिंडी के लिए है। नेक्स्ट है नंबर 9 पे असिस्टेंट मैनेजर HR, ये भी रावलपिंडी के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर HR OD रावलपिंडी। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स कराची के लिए। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सर्विसेज सर्वेयर, ये इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। चीफ सर्वेयर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। सीनियर HR ऑफिसर रावलपिंडी के लिए। और SDO बिल्डिंग एंड रोड, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। नंबर 16 पे हमारे पास आ रहा है क्वालिटी सर्वेयर, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। साइट इंजीनियर स्ट्रक्चर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। 18 पे है सीनियर सर्वेयर, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। साइट सुपरवाइजर स्ट्रक्चर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। साइट सुपरवाइजर रोड, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सर्वेयर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। जूनियर HR ऑफिसर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और स्टोर सुपरवाइजर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। प्लांट इंचार्ज, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मटेरियल कलेक्टर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। HSE इंजीनियर सुपरवाइजर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट कराची के लिए। अपर डिवीजन क्लर्क, ये लाहौर के लिए हमें चाहिए। 30 नंबर पे आ रहा है टेलीफोन ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट कराची के लिए। लैब टेक्नीशियन गिलगित बल्तिस्तान के लिए। टेलीफोन ऑपरेटर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। प्लांट ऑपरेटर लोडर ग्रेडर रोलर, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए। व्हीकल मैकेनिक गिलगित बल्तिस्तान के लिए। प्लम्बर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। डिस्पैच राइडर और इसी तरह LHV ड्राइवर, ये भी LTV HTV ड्राइवर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। व्हीकल मैकेनिक हेल्पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। लैब हेल्पर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और इसी तरह अगर हम बात करें कुक, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। चौकीदार और मेस वेटर कुक हेल्पर सेंट्री वर्कर, ये भी सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने बताएं कि मैक्सिमम कितनी है। NLC उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत और तजुर्बे के पेश नज़र तनख्वाह और दीगर मराद पर कशिश पेश करता है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार ही इनके लिए टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। उम्र की बलाई हद 55 साल है। दरख्वास्त देने का तरीका कार और काम की तसरीहत मुलाजमत के कवायद व ज़वाबित वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। NLC को किसी भी मरहले पर वजह बताए बगैर अमल भर्ती के अमल में तरमीम या मनसूख करने का इख्तियार हासिल है। और दरख्वास्तें जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो है 26 मार्च 2023 है। दरख्वास्त ऑनलाइन भी है और फॉर्म भी है। तो सीरियल नंबर 1 से 32 के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार हमारे ऑनलाइन वेब पोर्टल https
nlc.com.pk कैरियर के जरिए अप्लाई करेंगे और सीरियल नंबर 33-44 के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें NLC की वेबसाइट पर मौजूद मुजवजा फार्म वो पुर करके तमाम तालीमी दस्तावेजात डिप्लोमा जात तजर्बा के सर्टिफिकेट कौमी शनाख्त कार्ड की तस्दीक शुदा नकूल GCOs अच्छे सोल्जर होने की सूरत में डिस्चार्ज बुक की कापी और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट डायरेक्ट नॉर्थ NLC समा कैंप रावलपिंडी पर अरसाल करें। 1 तो 32 वाले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको वो नहीं भेजनी डाक, और जो 33-44 हैं उन्होंने फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये 26 मार्च से पहले पहले रावलपिंडी के एड्रेस पे भेजना है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप रब्ता कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।